आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। उज्जैन के बंडगर तहसील में जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचने लगे वार्ड क्रमांक 19 में आम नागरिकों के बीच चुनावी जनसंपर्क के लिए। और उज्जैन के बंडगर तहसील में वार्ड क्रमांक 19 जिला पंचायत सदस्य वार्ड में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पलसोड़ा गांव में निवास करने वाले भगवान सिंह जी पवार, जो कि पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, वहीं उनके परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में अपना उम्मीदवार वार्ड क्रमांक 19 से भगवान सिंह पवार की धर्मपत्नी को बनाया गया है। और अब उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी वार्ड क्रमांक 19 में करीब 30 से ज्यादा गाँव है जहाँ पर जनसंपर्क शुरू कर चुके हैं और जहाँ पर जनता के बीच पहुँच रहे हैं, अपने प्रत्याशी को जिताने की मांग कर रहे हैं। भगवान सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कोई एक चुनाव के समय आए ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आया रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक हमेशा लगातार काम करने वाली पार्टी है, चाहे वो आपको मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे किसी को भी कोई भी सहायता मिले, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे पूर्व मंडल जी मेरे साथ खड़े हैं, माननीय भगवान सिंह जी साहब खड़े हैं और सब लोगों ने मिल करके जो है एक नाम तय करके हमने तो पहले दिन दे दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रक्रिया है, तो हम लगातार काम करते रहते हैं। और भगवान सिंह जी साहब को भी आपने देखा होगा कि लगातार लोगों के बीच में रहना, लोगों के काम में आना और जनसेवा का भाव लेकर के काम करते हैं। सरपंच भी रहे और अभी इनके भाई साहब भी सरपंच है और इस प्रकार से जो काम करने का जज्बा इनमें है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक ही उम्मीदवार गट्टा कोर भगवान सिंह जी को उम्मीदवार बनाया और लगातार काम करते करते इनको बहुत समय हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपने काम किया है और निरंतर करते रहेंगे। और आप जो है बहुत पहले से इस क्षेत्र में आपका आना जाना लगातार रहता है, आप भी बहुत सक्रिय हैं, इनको भी सक्रियता में आपने भी भगवान सिंह जी को देखा होगा। तो हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम करते आ रहे हैं और हमेशा काम करते हैं, विकास के रूप में देखें, गरीबों के कामों के रूप में देखें, किसी के इलाज कराने के रूप में देखें, किसी के जो है सहायता जो मुख्यमंत्री जी की सहायता के रूप में देखें, तो लगातार काम करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आप काम कर रहे हैं और ये वार्ड नंबर जो 19 है जिला पंचायत का, इसमें आपको उम्मीदवार बनाने के साथ ही साथ जो है हम गाँव में अभी जा जा करके